दोस्तों, आपने कई सारी वीडियो देखी होंगी जिनके अंदर बताया जाता है कि आप ऑनलाइन वीडियो केवाईसी करके अपना जीरो बैलेंस अकाउंट जियो पेमेंट्स बैंक के अंदर खोल सकते हैं, लेकिन कई सारे दोस्तों को ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उनका अकाउंट खुल नहीं पाता है, ना ही उनका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो पाता है। और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, आपके सामने कुछ इस तरह का एरर आके आपका फ़ोन बैक हो जाता है। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है और क्यों आपका जियो पेमेंट्स बैंक ओपन नहीं होता है, आज की वीडियो में लाइव प्रूफ और प्रैक्टिकल मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो दोस्तों, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ऐसा एरर आपके सामने आ जाता है, तो यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी आ रही है। जब इसको लेकर मैंने कस्टमर केयर से बात की है तो उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसी के साथ साथ आपका जियो पेमेंट्स बैंक अगर आपके सामने ऐसा एरर आ जाता है तो अब आपका जियो पेमेंट्स बैंक खुल पाएगा या फिर नहीं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप जियो पेमेंट्स बैंक को ओपन कर सकते हैं। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं सब मोबाइल टिप्स। इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो लाल कलर का बटन दबाकर, बेल आइकन दबा दो, वीडियो को एंड तक देखो, कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट भी लिख देना। तो अब आगे बढ़ते हैं, वो आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप जियो पेमेंट्स बैंक जब ओपन कर रहे हो तो आपको माई जियो से ही आपको अपना जियो पेमेंट्स बैंक ओपन करना है, अदरवाइज इसकी वेबसाइट भी है, गूगल के अंदर आप लिख देंगे जियो पेमेंट्स बैंक, वहां पर भी आपको ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर माई जियो ऐप से ही अपना जियो पेमेंट्स बैंक ओपन कर रहे हो और आपने जैसे आप उसको ओपन कर रहे हो आपने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, जैसे ही आप वीडियो केवाईसी पे जाते हो वहाँ पर आपको फादर नेम, पैन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें मांगी जाती हैं। जब आप इनको भी फिलअप कर लेते हो तब आपके सामने कुछ इस तरह का एरर आ जाता है। अब एरर क्या है वो आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इसको लेकर जियो पेमेंट्स बैंक के कस्टमर केयर से बात की है तो उन्हें भी मैंने दो दो बार इसकी शिकायत दर्ज, यानी दो दो बार मैंने इसकी शिकायत उनको की है, तो उन्होंने कहा है कि आपका इतने दिन में फिक्स हो जाएगा, इतने दिन में फिक्स हो जाएगा। तो अब की बार मैंने थर्ड बार जब मैंने ट्राई किया और थर्ड बार मैंने जियो पेमेंट्स बैंक को कहा तो मैंने थोड़ा दाब से देकर कहा कि भाई मुझे जो है ना ये प्रॉब्लम आ रही है और मैंने इससे पहले भी दो शिकायत दर्ज कर दी है तो मेरा जियो पेमेंट्स बैंक ओपन नहीं हो रहा है, यही सेम प्रॉब्लम आती है और सेम एरर आता है। अब आप लोग तो बता देते हो कि आपका इतने दिन में सॉल्व हो जाएगा, इतने दिन में कहीं भी नहीं होता है, तो उन्होंने बताया है एंड में, यानी जब थर्ड बार मैंने कॉल की तो उन्होंने बताया है कि आपके आधार कार्ड में और आपके पैन कार्ड में जो आपका नेम है वो आपका डबल नेम होना चाहिए, जैसा कि मेरे आधार कार्ड में उमर है, UMAR है, तो इसके आगे कुछ और नाम होना चाहिए, यानी आपके आधार कार्ड में और आपके पैन कार्ड में लास्ट नेम होना ज़रूरी है। यदि आपके आधार कार्ड में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों हैं तब तो आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझिए कि आपके आधार कार्ड में है अंकुश कुमार, अगर ये आपका अंकुश जो होगा वो आपका फर्स्ट नेम हो गया और कुमार जो हो गया वो आपका लास्ट नेम होगा, तो आपका जियो पेमेंट्स बैंक के अंदर वीडियो केवाईसी हो जाएगा और आपका एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुल जाएगा जियो पेमेंट्स बैंक के अंदर। अदरवाइज अगर आपके आधार कार्ड में आपका फर्स्ट नेम है ओनली और लास्ट नेम नहीं है तो भाई आपके सामने यही एरर आएगा, क्योंकि मैंने इसको अपने मोबाइल से भी ट्राई किया है, अपनी आईडी से भी दो बार ट्राई किया है और मेरा भाई है उससे भी मैंने ट्राई किया है, एक बंदा और है उससे भी मैंने ट्राई किया है, तो भाई सेम एरर आता है अगर आपके आधार कार्ड में लास्ट नेम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर लास्ट नेम नहीं है तो अब आपको ओपन कैसे कराना है जियो पेमेंट्स बैंक, तो यहाँ पर जो है ना जियो पेमेंट्स बैंक अभी अपडेट कर रहा है अपने आप को, तो इसकी ब्रांच कुछ शहरों के अंदर लगा दी गई है, तो आप थोड़ा सा वेट करिए, हो सकता है 2023 से पहले पहले ही जियो पेमेंट्स बैंक अपने आपको और अपडेट करे और इसकी ब्रांच आपको आपके कस्बे वगैरह में देखने को मिले, आपके ब्लॉक में, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होता है क्योंकि अभी जो है ना एयरटेल 5G आने वाला है और जैसे एयरटेल 5G आएगा तो जियो भी अपने आप को बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपडेट करेगा और जियो जैसे अपडेट करेगा तो हो सकता है इसकी ब्रांच जल्दी से जल्दी मिल जाती है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करके जाना, भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।